क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में हुए बस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की भी घोषणा की है। तो वही जम्मू कश्मीर हादसे पर सीएम ने दुख भी जताया है, वही सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा की है। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा मुख्यमंत्री राहत कोष से। ये मुआवजा की जो राशि है ये परिजनों को दी जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय के बीच का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वही मामले की उचित जांच को लेकर भाजपा नेता व विधायकों ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि गलत आरोप में विधायक राजू सिंह को फंसाया गया है, मामले की उचित जांच हो। नियम कानून है, जरूर उसका ये करेंगे। अब अरुण बाबू बोले और कोई राजू सिंह क्रिमिनल और आतंकवादी नहीं है। बिंदेश्वर राम ने जो आरोप लगाया है आखिर उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। अगर राजू सिंह उस दिन उस तरह की कार्रवाई नहीं करता तो हो सकता था कि वहां पर 5-10 मर्डर भी हो सकता था। वो तो उसके दूसरे पहले पर तो ध्यान नहीं दिया गया कि राजू सिंह कोई क्रिमिनल या आतंकवादी तो नहीं है, एक निहायत शरीफ लोग है, इस बात को सारा जनता जानता है। तो वही छातापुर प्रखंड क्षेत्र के डूडी पंचायत के मध्य विद्यालय डूडी में मिड डे मील खाने से करीब 45 बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वही बीमार छात्रों की स्थिति देखकर स्कूल के शिक्षकों ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया गया है कि सभी बीमार छात्रों को तत्काल नजदीक के नरपतगंज अस्पताल भेजा गया है, जहाँ पर सभी बच्चों का इलाज लगातार जारी है। तो मिड डे मील खाने से 45 बच्चों के बीमार होने की खबर है। वही इस दौरान ये भी बताया गया कि खाने की सब्जी में गिरगिट मिला है, जिसके बाद सभी बच्चों की जो स्थिति है उसको देखते हुए स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य विद्यालय डूडी का ये पूरा मामला बताया गया, जहां मिड डे मील का खाना खाने से जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ गए। दरअसल मिड डे मील की सब्जी में गिरगिट मिली थी, जिसके बाद तकरीबन 45 बच्चों के बीमार होने की खबर थी। और जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय लोगों के को मिली तो तुरंत स्थानीय लोग स्कूल पहुँचते हैं और इस प्रशासन की मदद से मिलकर, स्कूल के शिक्षकों की मदद से मिलकर सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो वही नवादा बिहार में शराबबंदी का 7 साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब हर गली मोहल्ले में बेची जा रही है। जहां आज पासी समाज के लोगों ने समाहार न्यायालय के समक्ष पुलिस के गलत रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रजातंत्र चौक को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि प्राकृतिक जूस ताड़ी के नाम पर निर्दोष पासी समुदाय के लोगों को जेल भेजने के विरोध में पासी समाज का फूटा गुस्सा देखने को मिला है और जन आक्रोश नवादा समाहरणालय गेट पर सरकार की नीतियों के खिलाफ सैकड़ों पासी समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। चौधरी समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं। चौधरी समाज का पहली धंधा है ताड़ का बिजनेस करना। आज हमारा समाज का पहचान
ज़्यादा तारीफ पर ही आश्रित है। ये नीतीश कुमार जी नियम लाकर तारीफ पे पाबंदी लगा दिए हैं, इससे हमारा समाज भूखे मर रहा है। इसीलिए जनाक्रोश है, नीतीश कुमार जी के खिलाफ जनाक्रोश है। चौधरी एके चौधरी तक दो दिन के सूचना में इतना चौधरी लोग आए हैं। अभी उत्पाद विभाग रोज 20 से 25, 40 के संख्या में अरेस्ट कर रहे हैं। उसी के खिलाफ में हमारा चौधरी समाज नवादा के कोने कोने से आए हैं, बच्चे आए हैं, महिलाएं आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अब खबर मोतिहारी से है, जहां छतौनी थाना पुलिस ने यौन उत्पीड़न मामले में एक निजी चैनल के संपादक निशांत राज उर्फ निशांत रेजा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संपादक पत्रकारिता के आड़ में ब्लैकमेलिंग का भी काम करता था, जहां उसके मोबाइल में कई लड़कियों का अश्लील वीडियो और फोटो भी मिला है। वही मोतिहारी के SP ने बताया कि उसने 2 नाम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आधार कार्ड तक बनवा रखा था, उस पर अलग से FIR तक करवाई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। बिहार में मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से गायब किशोरी की हत्या कर शव को पोखर में फेंके जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने ब्रह्मपुरा चौक के पास जमकर प्रदर्शन और आगजनी की है। बता दें कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से कल गायब हुई छात्रा का शव बरामद होने के बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। इस दौरान परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध किया और सड़क मार्ग पर आगजनी करते हुए विरोध भी किया है। वही मौके पर कई थाने की पुलिस ने इस मामले की स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था। उनका डेड बॉडी आज दुर्गा मंदिर के पास में तालाब में फेंका हुआ मिला है और तालाब के भिंड पर कुछ ब्लड का जहाँ तहाँ स्पॉट भी मिला है। देखने से लग रहा है कि कहीं डेड बॉडी का हत्या करके और यहाँ ला कर छिपाने के नियम से रख दिया है। इसी संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, मामला कब दर्ज कराया गया था? मामला तो 28 आज 30 तारीख हो गई ना, 29 को दर्ज कराया गया था। किसी के प्रसंग भी दायर किया गया था क्या उसमें? हाँ, उसमें नामजद FIR हुआ था। नामजद FIR इन्होंने करवाया था एक लड़का का, उसमें नाम और मोबाइल नंबर आया था, उसका लोकेशन हम लोग उस पर तहकीकात चल ही रही थी, इसी दरमियान डेड बॉडी बरामद हो गई। बिहार में रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना अंतर्गत BMP पुलिस लाइन के पास एक सवारी से भरी टेम्पो और पुलिस वैन सहित कार की टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो में सवार महिला पुरुष और बच्चे समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। वही पुलिस लाइन में मौजूद 2 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी का इलाज लगातार जारी है। तो वही बिहार में नवादा 4 लेन रसूल नगर के पास टैंक लोरी ने ट्रैक्टर सवार से ट्रैक्टर को बुरी तरह कुचल दिया है और हादसे में 2 की मौत भी हो गई है, साथ ही 5 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वही मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हादसा देखने को मिला जहां टैंक लोरी और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। वही भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है और जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। SKB मार्केट.in शॉपिंग सुकून के साथ।